एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तवा पनीर मसाला रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया। इसमें दही ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। उसके बाद सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको देखिए मैंने मिक्स कर दिया, इसको साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं गैस पे, रखेंगे कढ़ाई को। उसके बाद इसमें मैंने तेल डाल दिया है। उसके बाद कटी हुई प्याज डाल देंगे। उसके बाद इसमें ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद 2 मिनट भूनने के बाद इसमें देखिए मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। उसके बाद फिर इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, कटे हुए टमाटर डाल देंगे। उसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर सारे मसाले हल्दी पाउडर धनिया पाउडर चाट मसाला और नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड करेंगे। देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, 2 मिनट ढक के पका लेंगे मसालों को। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और टमाटर भी अच्छे से मैसी हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप जैसी ग्रेवी चाहते हैं उसी हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो मैंने मैरिनेट करके पनीर रखा था उसको डाल देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गया है, ये पनीर हमारा अच्छे से पक गया। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे और ये कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। फिर 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए ये हमारा मसाला तवा पनीर बनके तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिए बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है देखने, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह ऐसे ही वॉचिंग मेरा वीडियो।